मौजूद है कराची शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर। शाम के बेहतरीन किस्म के जानवर ईद उल अजहा के मौके पर लाए जाते हैं और यहाँ से लोग खरीदारी करके अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। माशाल्लाह इसके खूबसूरती चेक करें, अल्लाह की राह में कुर्बान। इनके मालिक साथ हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं सर इनकी खिलाई पिलाई क्या, इनके खुराक क्या रखते हैं, ये क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आटा और चने का जो नजरिया वो होता है और दूध मक्खन भी होता है इनके साथ। अच्छा, इनसे वैक्सीन भी पूरा मुकम्मल होता है। अच्छा, पूरा साल का हर बीमारी का, तो वो भी हम मुकम्मल करते हैं। तो ज्यादा हम दूध मक्खन जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जानवर भी पसंद किया मैंने और ये भी पसंद किया। थोड़ा पकड़े इसको रस्सी को, लाओ भाई रस्सी ले आओ। हमने इस जोड़ी के 10 लाख रुपए लगाए, ये 11 बैठके हुए हैं अभी भी जी। अब सौदा चल रहा है, बस इंशाल्लाह बनने ही वाला है। भैंस तो मामा असल में काली होती है ना ज्यादातर, आपने देखा होगा काली काली ज्यादा ही बुरी कम है। अच्छा हाँ, 10% बुरी हो गई। क्या डिमांड रखी हुई आपने इसकी? इसके 3.5 लाख। 3.5 लाख डिमांड रखी हुई, 15 लाख। माशाल्लाह नाज़रीन देख सकते हैं 15 लाख रुपए का इसका सौदा हुआ है। ये डालफा स्टोर का चौलिस्तानी नस्ल है, 15 लाख रुपए का इसका सौदा हुआ है माशाल्लाह। वजन इसका लगभग कितना होगा ये तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक? 30 मन है बछड़ा। माशा 30 मन का बछड़ा है, दो दांत का बछड़ा है, 4 दांत। ये कालिया भाई नाजरीन आप देख सकते हैं 30 मन का कालिया है ये माशाल्लाह। इनके जो मालिक साथ खड़े हैं वो बता रहे की 30 मन का जानवर है। ये क्या मांग रहे हैं इसकी आप, क्या डिमांड रख रहे हैं इसकी आप? भाई डिमांड 1 करोड़ की थी। 1 करोड़ रुपए भाई मांग रहे हैं कालिया के माशाल्लाह। जानवर तो काफी अच्छे आए हुए लेकिन महंगे बहुत है, इतने महंगे हैं कि रेंज से बाहर हैं। बेहतरीन किस्म के सिब्बी बैल भी यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ अकसाम के जानवर मौजूद हैं। आपके क्या रेंज है, आपको कितने तक का लेना है? मुझे तो ये 50,000 का जानवर ला दो भाई सर को 50,000 का जानवर चाहिए और कैटल फार्म में खड़े हुए आप रही थी 50,000 के जानवर लेने के लिए, वो बोले